नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। पेपर में छप जाए, पेपर में तो दे दे, पेपर वाले दिन बहुत छप जाए। अरे आप लोग चाहे तो हम लोग आज भी सुखी हो जाए। जैसे परिवार की खर्चा की बात तो अलग है, अपना भी खर्च चलाना जो है स्टेशन की स्थिति को देखते हुए अपना भी खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। यही हाल रहा तो कैसे काम, यही हाल रहा तो आप आगे चलकर जो है अब केवल जो है वही एक विकल्प रह जाएगा कि या तो आत्महत्या करे लोग या तो सड़क पर उतरे। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उन्हीं का क्षेत्र है, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के कुली जो है भूखमरी के कागार पर दो रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं या तो हमको जो है ज़्यादा न देकर 5,000 रुपया दे, लेकिन सरकार मंथली 5,000 रुपया दे हमको, जिससे हम अपना नमक तेल किसी प्रकार चला सकें। वर्तमान समय में जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है? जीविकोपार्जन का एक स्रोत है, किसी को जो है कोई 10 रुपया देता है तो 20 रुपया देता है तो कोई कोई मिल जाता है तो उस वही काम करके अपना अपना काम करते हैं। कुछ लोग जो है अपना जाके सिटी में जो है रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग टेम्पू चलाते हैं, उस पर भी नहीं उनका रोजी चल रहा है। दूर दराज से लोग हम कुली जो है 13 जिला के रहने वाले हैं। दूर दराज से लोग जो है आखिरी व्यवस्था होने के कारण इस कोरोना में अपने को स्वयं में जोखिम में डालते हुए महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के लोगों को जो है संपर्क करते हुए जो है उनके बोझ को ढोने का काम सोचते हैं करने के लिए, लेकिन उनके पास न पैसा है न हमको बोझ ढोने के लिए मिलता है। कभी कदाप कोई दे देता है जो स्वयं का रिस्क लेकर काम कर रहे हैं फिर भी पेट नहीं भर रहा है। अपने जीवन को संकट में डालते हुए इस कार्य को कर रहे हैं, जबकि जानता हूं कि महाराष्ट्र और बम्बई, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में जो है कोरोना जो है काफ़ी जो है संख्या में बढ़ रहा है, फिर भी उन्हीं लोगों को ढोने का काम करते हैं। जीवन संकट में है और भविष्य में संकट में है और भूखमरी के कागार पर हम लोग हैं।